Welcome to Banik YouTube channel. Today we are going to discuss about some important international organization and its headquarter. किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन गारंटेड पूछता है. तो चलिए शुरू करते हैं. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होगा UNO, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में. मैं पूरा सीरीज लूंगा आपको, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? तो इसका भी देखने को मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, जेनेवा. उसके साथ साथ याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ये सारा जितना बताया आपको सबका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, जेनेवा में. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहां देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको पेरिस. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, कहां देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, या देखिएगा आपका, अगेन पेरिस में. नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन ओमेन, पहली बार आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन ओमेन. क्लियर. इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, या देखिएगा आपका, न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, या देखिएगा, वियना में. नेक्स्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा आपको वियना में. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक, कहां हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा? अगेन वियना. नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF Washington DC, उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक Washington DC, एनएसटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एमएसटी ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? तो इसका देखने को मिलेगा आपको लंदन में. इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लंदन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हेडक्वार्टर लंदन. नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर द हाग नेदरलैंड, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर बर्न, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बर्लिन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर अबूधाबी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन SAARC हेडक्वार्टर काठमांडू, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN हेडक्वार्टर इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता. नेक्स्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC हेडक्वार्टर सिंगापुर. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर जिदा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर मॉरिशस. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, द हाग नेदरलैंड. नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हेडक्वार्टर लसन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हेडक्वार्टर
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मोनाको, नेक्स्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन हेडक्वार्टर मोनाको, नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर दुबई, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर लसन स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस USA, एंड लास्ट वन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। क्लियर? थैंक यू सो मच।